हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं जो वीडियो लेके आई हूँ वो काफ़ी दिनों पहले की रिक्वेस्ट है। मतलब मुझे लग रहा है 3 से 4 महीने हो गए वो रिक्वेस्ट आई हुई, लेकिन वो रिक्वेस्ट मैं इसलिए नहीं पूरी कर पा रही थी क्योंकि मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा था और उस समय डेकोरेशन के मेरे वीडियो सारे आ रहे थे क्योंकि फेस्टिवल्स आने वाले थे इस वजह से। तो वो रिक्वेस्ट मैं नहीं पूरी कर पा रही थी, तो वो रिक्वेस्ट आज मैं लेके आई हूँ। मैंने सोचा उनकी रिक्वेस्ट पूरी कर देते हैं जल्दी। और सपना जैन, जिन्होंने ये रिक्वेस्ट करी थी कि दी अपने पर्स का कलेक्शन दिखाइए, तो आज मैं उनकी रिक्वेस्ट पूरी करने जा रही हूँ। सॉरी डियर, थोड़ा सा लेट हो गया, लेकिन उधर डेकोरेशन के मेरे वीडियो आ रहे थे उसकी वजह से मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो मैंने सोचा क्यों ना आज मैं अपना पर्स कलेक्शन आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। बहुत बड़ा कलेक्शन नहीं है, ना ही बहुत ज़्यादा अच्छा कलेक्शन है, जो भी है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो उसके बगल में बेल बटन है उसको जरूर प्रेस करिए ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फ्रेंड्स, मुझे आप लोगों से एक और बात भी बोलनी थी कि अगर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास नहीं जाता है तो आप एक बार अनसब्सक्राइब करके फिर से सब्सक्राइब कर लीजिए तो वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आने लगेगा, क्योंकि कुछ लोगों ने बोला है मुझे कि आपका नोटिफिकेशन नहीं आता है। तो वो इसी वजह से, क्योंकि जब थोड़े दिन वीडियो नहीं कोई और काफ़ी इधर बीच मेरा गैप हो गया था, काफ़ी लंबा गैप हो गया था, मैं वीडियो नहीं डाल पा रही थी, तो उसकी वजह से भी हो सकता है नोटिफिकेशन ना मिल पा रहा हो। तो आप लोग एक बार अनसब्सक्राइब करके फिर से सब्सक्राइब कर लीजिए तो नोटिफिकेशन आने लगेगा। और बेल पे ऑल वाली बेल को प्रेस करिए ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं अपने जो स्लिम बैग हैं उनसे स्टार्ट करती हूँ, जो कि इधर थोड़े से ज़्यादा मेरे पास हो गए हैं। ये मैं एक साथ पूरा यहाँ पे रखी हुई थी। तो ये एक तो है ये स्लिम बैग, जो कि कुछ इस तरीके से है क्रीम कलर पे, और कलर इसका बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है मुझे। और इसका ये जो ये पोर्शन है इसको आप छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, और मेन चीज़ इसमें आप इसको अगर निकाल दीजिए तो आप इसको इस तरीके से भी कैरी कर सकते हैं, साड़ी वाड़ी के साथ ऐसे हाथ में इस तरीके से भी कैरी कर सकते हैं। और थोड़ा सा पार्टी वेयर है क्योंकि इसमें ये स्टोन लगे हुए हैं और नग वगैरह बड़े बड़े से स्टोन हैं, जो कि देखने में बहुत खूबसूरत और बिल्कुल पार्टी वेयर लुक आता है। और स्पेसियस भी है, अच्छा खासा स्पेसियस है। आप अगर कहीं पार्टी में जा रहे हैं तो आपका थोड़ा बहुत मेकअप का सामान भी आ जाएगा, मोबाइल भी आ जाएगा, और काफ़ी सामान इसके अंदर आ जाता है। दो इस तरीके से इसमें ज़िप हैं और एक पीछे भी ज़िप दे रखी है कॉइन वगैरह रखने के लिए। तो ये मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है ये वाला पर्स। तो ये इस तरीके से ऐसे हो गए हैं क्योंकि ये अलमारी में बिल्कुल रखे हुए थे, तो कुछ जब सामान इसमें रखेंगे तो ये सही लगने लगता है। तो ये तो था फर्स्ट मेरा बैग, जो कि बहुत ही ज़्यादा मेरा फेवरेट है। और काफ़ी दिन पहले मैंने इसको लिया था, शायद 2 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक ये बिल्कुल इसकी शाइन वगैरह बिल्कुल भी नहीं गई। ये मैंने भूतनाथ से लिया था, अधिकतर भूतनाथ के ही पर्स हैं और कुछ अलग अलग जगह के भी हैं क्योंकि भूतनाथ मार्केट हमारे घर से पास में है तो अधिकतर शॉपिंग तो वहीं से होती है। और ये भी मैंने भूतनाथ से लिया था, तो ये भी काफ़ी अच्छा है, इसमें बहुत सारा सामान आता है। और इसमें इस तरीके से पूरे में ये गोल्डन बटन टाइप के पूरे में लगे हुए हैं, और ये भी इसी तरीके से छोटा बड़ा आप कर सकते हैं। ये इस तरीके से, और ये भी बहुत ही ज़्यादा स्पेसियस है। इसमें भी सेम उसी तरीके से 2 चेन और 1 पीछे, ये भी मैंने भूतनाथ से ही लिया था। तो ये कुछ इस तरीके से, और इसका कलर बड़ा प्यारा लगता है, ऐसे आप मार्केट वगैरह जाने में या ऐसे भी कहीं घूमने जाना हो तो आप आराम से इसको ले सकते हैं। उसके बाद ये मुझे अभी गिफ्ट में मिला था मेरी एनिवर्सरी पे, तो ये इसका भी कलर बहुत प्यारा सा है, और इसमें भी यहाँ पे जैसे पहले वाले में मेरे लगे हुए हैं स्टोन उस तरीके से लगे हुए हैं। और ये भी स्पेसियस है, इसमें भी सेम उसी तरीके से 2 चेन और 1 पीछे भी है, और इसमें अंदर भी है, उनमें अंदर नहीं है पीछे ही है, मुझे लग रहा था इसमें अंदर भी है, पीछे है इसमें भी। तो ये कुछ इस तरीके से है, और थोड़ा सा स्टाइलिस्ट है ये सब इसमें लगा हुआ है, तो ये भी काफ़ी अच्छा लगता है। और ये चेन सिर्फ बस आगे ऐसी लगी है, इसमें कुछ स्पेस मतलब कुछ रखने का नहीं है, बस ऐसी लगी हुई है, तो ये भी अच्छा लगता है बहुत ही ज़्यादा। उसके बाद ये
ये भी बहुत प्यारा, ये आप सिल्क की साड़ी के साथ ये पर्स इस तरीके का अगर है आपके पास, ये मेरा भाई लाया था नैनीताल से और इसको भी काफ़ी टाइम हो गया, बहुत पुराना हो गया है ये, लेकिन मैं इसको बड़ा संभाल के रखती हूँ। इसमें गोल्डन इस तरीके से डोरी लगी है और इसको आप कोई भी आप सिल्क की साड़ी पहनिए, ये थोड़ा सा इसका निकल गया था, काफ़ी अच्छा ये इस तरीके से था इधर, तो इसका ये खुल गया है। और ये सिल्क की साड़ी के साथ आप इस पर्स को लीजिए तो बहुत प्यारा लुक आता है। तो ये भी पर्स मेरा बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है और इसमें सिर्फ एक ही चेन है और एक अंदर है, लेकिन काफ़ी स्पेसियस है, देखिए ये इस टाइप से, और बहुत ज़्यादा इसमें सामान आ जाता है। तो ये भी पर्स मुझे बहुत प्यारा लगता है और देखिए शाइन वाइन बिल्कुल भी नहीं गई है, गोल्ड क्योंकि हर साड़ी पे गोल्डन वर्क होता है और उस पर आप इस पर्स को आप कैरी कर सकती हैं अगर आपके पास इस तरीके से पर्स है तो कैरी। इस पर्स को बहुत लोगों ने पसंद किया, जब मेरी फ्रेंड लोग भी इसको बहुत पसंद की थी जब मैं फर्स्ट टाइम इसको लेके गई थी तो, और मुझे भी ये बहुत खूबसूरत लगता है और सामान भी अच्छा खासा इसमें आ जाता है। और बड़े बैग में बहुत ज़्यादा मेरे पास नहीं कलेक्शन है, बड़े बैग में एक ये है, इस पर बहुत ही सुंदर सी एम्ब्रॉयडरी है, तो ये भी आप कहीं अगर पार्टी फंक्शन में नहीं, अगर आप कहीं जा रहे हैं तो इसमें एक दो सेट कपड़े आपके आराम से आ सकते हैं, पार्टी फंक्शन में तो नहीं टांगने वाला है लेकिन हाँ आपके आराम से एक दो सेट कपड़े आ सकते हैं और देखने में स्टाइल भी लगेगा, स्टाइलिस्ट भी है। और फिर बहुत बड़े में तो बस एक यही है क्योंकि काफ़ी बड़े पहले ज़रूरत लगती थी, जब आन्या छोटी थी तो उसका भी काफ़ी सामान हो जाता था, लेकिन अब तो बड़ी हो गई है तो अब मुझे नहीं इतना ज़रूरत लगती है तो इसलिए मैं अब इतने बड़े नहीं खरीदती हूँ, मैं छोटा ही पर्स लेती हूँ। तो यही है बस एक मेरे पास बड़े में, और इसमें भी ये देखिए दो इस तरीके से है दो रखने के लिए, और इसमें अंदर भी छोटी सी एक चेन है, पीछे भी चेन है, तो काफ़ी सामान इसमें आ जाता है, बहुत ही ज़्यादा स्पेसियस है। और ये शायद हरिद्वार से लिया था। उसके बाद क्लच तो बहुत ज़्यादा नहीं है, क्लच भी कम है, अभी मुझे पार्टी वेयर क्लच थोड़े लेने हैं, मीशो से मुझे ऑर्डर करना था लेकिन कुछ थोड़ा सा ऑनलाइन पेमेंट वगैरह नहीं उस पर हो पा रहा है, इस वजह से नहीं मैं कर पा रही हूँ, वरना मुझे लेना। तो ये इस तरीके से एक रेड है, कभी आप रेड कलर की साड़ी या सूट कुछ भी पहनिए उस पर आप ले सकती हैं, बिल्कुल प्लेन, कुछ भी सीक्वेंस वगैरह कुछ नहीं है, बस ऐसी प्लेन है। और दूसरा ये तो इसको मैंने इतना यूज़ किया कहीं भी आने जाने में, और ये काफ़ी अच्छा मेरा क्लच निकला, अभी भी ठीक है, लेकिन मैं ही इसको ले के वो मैं देख रही थी इसमें क्या पैसे भी पड़े हुए क्योंकि मैं इस समय इसको नहीं कहीं लेके जा रही हूँ, और बिल्कुल अभी ठीक है, ये मेरी फ्रेंड ने मुझे दिया था लेकिन मैं ही इसको लेते लेते बोर हो गई इसलिए मैंने इसको अब थोड़े दिन के लिए रख दिया है, और मैं उसकी जगह पे ये वाला ले आई थी, ये शायद मैंने शेयर भी किया आप लोगों को, जो मैं निशादगंज बुद्ध की बाज़ार गई थी वहाँ का जो मैंने वीडियो शेयर किया था उसमें दिखाया था। तो इस समय मैं ये वाला यूज़ कर रही हूँ, मोबाइल आ जाता है और थोड़े से पैसे आ जाते हैं, बीच में चेन है तो अच्छा है। और ये मेरी मम्मी गई थी पूरी वहाँ से लेके आई थी, तो ये भी बड़ा अच्छा है, इसमें थोड़ा सा जैसे लगता है कुछ लकड़ी का ऐसे काम है, और ये भी बहुत अच्छा लगता है, और इसमें भी मोबाइल भी आ जाता है और छोटा मोटा आप सामान रख सकती कहीं जाना हो। और एक ये मोबाइल का लिया था मैंने अपने भाई की शादी में मोबाइल रखने के लिए, तो इसमें ये देखिए इस तरीके से फंसा के और यहाँ पर लगा सकते हैं, तो ये भी बड़ा प्यारा लगता है, और इस तरीके से डोरी भी इसमें लगी हुई है, और ये पैसे वैसे रखने के लिए भी पीछे इसमें बनाए, इसमें पैसे ही पड़े हुए हैं ये इस तरीके से इसमें पीछे पैसे रखने का भी बना हुआ है, तो ये भी बड़ा अच्छा सा है, इस पर कुछ इस तरीके से एम्ब्रॉयडरी है और बड़ा प्यारा लगता है ये। तो ये बस इतना ही कलेक्शन है अभी, और बाकी मैं जब ऑर्डर करूँगी, और हाँ एक दो अभी पर्स थे मेरे जो कि ख़राब हो गए, बहुत ही प्यारा पर्स था, बहुत कॉस्टली लिया था मैंने अपने भाई की शादी में, लेकिन उसका जो ऊपर का वो होता है वो अपने आप रखे रखे ही निकल गया पूरा, तो उसको मैंने हटा दिया है, इसलिए उसको दिखाने का कोई वही नहीं, अभी है मेरे पास लेकिन उसको दिखाने का कोई वो नहीं बनता क्योंकि वो काफ़ी ख़राब लगने लगा है, तो इस वजह से।
तो बस यही था मेरा छोटा सा कलेक्शन, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। और जो भी मैं क्लच वगैरह ऑर्डर करूंगी वो आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। मुझे थोड़े से पार्टी वेयर क्लच ऑर्डर करने हैं, ब्लैक या फिर रेड कलर का सोच रही हूँ और एक गोल्डन कलर का, तो वो जब मैं ऑर्डर करूंगी तो आपके साथ तो शेयर करूंगी। मीशो का हॉल मैं शेयर करती हूँ अधिकतर, तो वो मैं शेयर करूंगी। तो कैसा लगा आपको वीडियो जरूर बताइएगा, और अगर थोड़ा भी वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक करिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, अगर आप मेरे इंस्टाग्राम पे नहीं फॉलो करते तो वहाँ भी मुझे फॉलो करिए, इंडियन यूट्यूबर प्रतिभा के नाम से आईडी है मेरी, तो वहाँ भी आप फॉलो कर लीजिएगा, वहाँ पे भी अच्छी अच्छी रील्स मैं डाला करती हूँ। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।